मैं शंकर सिंह कोटलिया बाड़मेर जिले की धनाऊ पंचायत समिति के सिरांवाला गांव का निवासी हूं। मैंने आरपीसी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में इतिहास विषय से संपूर्ण राजस्थान में प्रथम रैंक हासिल की है। अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से पीएचडी कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने डीएसएसबी द्वारा आयोजित की गई पीजीटी हिस्ट्री की परीक्षा में थर्ड रैंक हासिल की थी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल श्रीरामवाला से और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर चौहटन से। मैंने अपना 12th महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से किया है। मैंने ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज जयपुर से और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया है। 2018 से मैं BHU के इतिहास विभाग से ही जुड़ा हुआ। उसके बाद मैंने 5 अलग अलग विषयों में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ जोधपुर स्टेट विषय पर PhD कर रहा हूँ और अभी इस जर्नी में जो फर्स्ट रैंक RPC में आई है इसके लिए कुछ सलाह मैं जो एक्सपीरियंस हैं अभी तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की उसके लिए देना चाहूँगा। सबसे पहले हार्डवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये यही सबसे इम्पोर्टेंट है और यही आपको मंजिल पर पहुँचा सकता है। इसके लिए दूसरी मैं सबसे सही सलाह आपको देना चाहूँगा कि सही डायरेक्शन में मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, आप सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उस मेहनत का भी कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो मैंने पढ़ी अपने JRF के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट में नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनमें एंशेंट इंडियन हिस्ट्री के लिए उपिंदर सिंह की बुक सबसे अच्छी है और मिडिल इंडियन हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत के 2 पार्ट अच्छे हैं। इसके अलावा BL गुप्ता और पेमाराम की बुक मध्यकालीन भारत के लिए राजस्थान के किसी पब्लिकेशन की बुक है, अच्छी बुक है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए BL ग्रोवर और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैन एंड माथुर और राजस्थान हिस्ट्री के लिए लक्ष्य की जो गाइड आती है वो सबसे अच्छी है। इसके अलावा आर्य कंपटीशन की गाइड अच्छी है इंडियन हिस्ट्री के लिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कंपिटिटिव एग्ज़ाम की और जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस निकालेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वही आपका नीव या बेसिक होना चाहिए। इसके लिए मैंने अरियंत की ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की गाइड मैंने ली, उसके डिस्क्रिप्शन भी अच्छे हैं और वो अच्छी गाइड अच्छी क्वेश्चन बैंक है। और इसके अलावा थर्ड पेपर जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है इसमें 2-3 यूट्यूब चैनल्स से मैंने सहायता ली। एक ओम डिजिटल स्टडी करके चैनल है जिसमें वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं और दूसरा श्रीराम जी नायक, पिछली वैकेंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित हो चुके हैं, उन्होंने अच्छा पढ़ाया है। हिस्टोग्राफी के लिए मैंने इग्नू के नोट्स, ई श्रीधरन और EHR की बुक्स पढ़ी और राजस्थान के लिए लक्ष्य की गाइड के साथ साथ आप गोपीनाथ शर्मा और RP व्यास मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं।